Starting in the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ फंक्शन विच मस्ट बी 1-to-1 फंक्शन. ये हमने पढ़ा है, लेकिन इसको रिपीट करेंगे. वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is the dependent variable. y is the dependent variable, यानी y is equal to f of x, मेरे पास एक function है जो कि 1-to-1 होगा. तो हमें पता है 1-to-1 function वो function होता है कि जब हम उसको एक input देते हैं और मुझे एक ही output मिलता है, then such function is known as 1-to-1 function. फिर हमने पढ़ा many-to-1 function वो होता है कि जिसके 1 से ज्यादा inputs हो और output हमारे पास एक आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं many-to-1, यानी many input से एक ही output मिलता है. That's why इसको हम कहते हैं many-to-1 function. तो inverse of function के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि inverse of function सिर्फ हम 1-to-1 function का find out कर सकते हैं, और ये बाद में हम जानेंगे इसको कि किस तरह सिर्फ 1-to-1 function का inverse हम find out कर सकते हैं. Where x is the independent variable and y is the dependent variable. Now, अब इस ये मेरे पास एक फंक्शन है जो कि 1-to-1 फंक्शन है. अब इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसका इनवर्स ये होगा कि अगर x को मैं y का रोल लू और y को मैं x का रोल लू, देन जो हमारे पास फंक्शन बनेगा, जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा, वो इस फंक्शन का इनवर्स होगा. यानी इस फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर मैं कोई ऐसे फंक्शन बनाऊं जिसमें ये x डिपेंडेंट हो जाए, यानी y की जगह पे आ जाए, और y का रोल x की जगह हो, यानी y इंडिपेंडेंट हो जाए, देन सच फंक्शन विल बी अ इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन. तो इनवर्स क्या होगा, नाउ अ फंक्शन दैट टेक्स y एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दैट टेक्स y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is the independent variable and x is the dependent variable is called inverse of the given function f of x. Yani, let's say y is equal to f of x, ye mere paas ek function hai. Y is equal to f of x, ye mere paas ek 1-to-1 function hai. 1-to-1 function hai ye. Ab hame pata hai ki isme jo x hai, x और x को हम वैल्यूज देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y जो है मेरे पास, y ये होता है डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द x, डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इस 1-to-1 फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, द इनवर्स ऑफ y is equal to f of x will be, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा कि अगर x मेरे पास डिपेंडेंट हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो जो फंक्शन बनेगा वो इस फंक्शन का इनवर्स होगा. यानी अगर मैं y is equal to f of x को इस तरह लिखूं, f इनवर्स में दोनों साइड पे लिखूं, तो यहां पे जब f इनवर्स लूंगा तो यहां हो जाएगा f इनवर्स y is equal to, यहां पे f इनवर्स लूंगा तो यहां हो जाएगा f इनवर्स, और ऑलरेडी हमारे पास है f ऑफ x, तो ये f इनवर्स f के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा x is equal to f इनवर्स y. ये जो फंक्शन बनेगा ये इस फंक्शन का इनवर्स होगा, ये इस फंक्शन का इनवर्स होगा हमारे पास. ये जो फंक्शन बनेगा ये इस फंक्शन का इनवर्स होगा. अब इस ये जो फंक्शन बन रहा है, ये जो फंक्शन, इसमें जो x है हमारे पास, x ये अब डिपेंडेंट हो गया है, डिपेंडेंट, और जो y है मेरे पास ये इंडिपेंडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट. तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x. और याद रखें कि सिर्फ 1-to-1 फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फंक्शन यानी y इज इक्वल टू 2x, ये एक 1-to-1 फंक्शन है.
क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है। अगर मैं एक्स को लेट से वन देता हूँ, लेट से डोमेन को मैं वैल्यू देता हूँ वन, तो वाई मेरे पास आएगा टू इंटू वन, तो वाई आ जाएगा टू। एंड एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है, तो इस फंक्शन को मैं कह सकता हूँ वन टू वन फंक्शन। तो इनवर्स सिर्फ हम वन टू वन फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन दैट मस्ट बी वन टू वन फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे पास कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x+5। ये एक फंक्शन है मेरे पास और ये मुझे गिवन है कि इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां देखें, ये मेरे पास एक वन टू वन फंक्शन है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही डोमेन नजर आ रहा है, देयर इज नो अदर एक्स। तो एक इनपुट दूंगा मैं इसको तो एक आउटपुट आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स होता है इक्वल वाई के। तो इस तरह रिप्रेजेंट करना या इस तरह रिप्रेजेंट करना, आप कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन इसमें कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं, सॉल्यूशन में आपने इसके कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर वन में आपने क्या करना है, आपने कंसिडर करना है जो गिवन फंक्शन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपने कंसिडर करना है कि ये मेरे पास एक फंक्शन है और बाय इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसका जो इनवर्स होगा वो इक्वल होगा, हमें पता है। इस यहां भी इनवर्स लेंगे, यहां भी इनवर्स लेंगे, तो यहां से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये हमें पता है कि ये इस वन टू वन फंक्शन का इनवर्स होगा। सबसे पहले आपने ये सपोज करना है। स्टेप नंबर टू में आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, ये आपने अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स की जगह इस तरह लिखूं, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू 2x+5। आपने क्या करना है, आपने इससे x फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर टू में आपने x फाइंड आउट करना है, यानी अगर ये फंक्शन है तो इसमें मैं x किस तरह फाइंड आउट करूंगा, इसको मैंने सपोज कि f of x को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2x+5, y से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। स्टेप नंबर टू में आपने x फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा, तो ये होगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू y-5। अब x को फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू y-5 डिवाइडिंग बाय 2, ये होगा मेरे पास x। अब स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या करना है, एक्स को ये पुट कर देना है यहां, स्टेप नंबर वन को यहां पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इन इक्वेशन वन। तो यहां पुट करना है आपने, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह ये पुट करेंगे यहां, तो एफ इनवर्स वाई is equal to y-5 divided by 2। And step number 4 में आपने क्या करना है, जो कि last step है हमारे पास, replace y by x। तो y की जगह x बस लिख देना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह x x माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया है इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन 2x+5। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है, स्टेप नंबर वन में आपने सपोज करना है कि लेट f ऑफ x जो कि एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक फंक्शन है, जो इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका इनवर्स क्या होगा कि इन दोनों के रोल्स में उल्टा करूं, ये इसका रोल में एक्स को दूं और इसका रोल में वाई को दूं, तो उसको हम फिर इनवर्स कहते हैं। और इनवर्स को बाय डिफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये डिफिनेशन हमने यहां लिख दी है। स्टेप नंबर टू में आपने एक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स, तो ये मेरे पास इक्वल है वाई इज इक्वल टू 2x+5,
तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, x को फाइंड करना है हमने, तो x को हमने फाइंड आउट कर दिया है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपने x की जगह f इनवर्स y पुट कर देना है, और लास्ट स्टेप जो कि है स्टेप नंबर 4, उसमें आपने y को रिप्लेस कर देना है x पे, एंड डेट विल बी द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज अ वे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। बट रिमेंबर कि हम इनवर्स सिर्फ वन टू वन फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मेनी टू वन फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहां एक इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं, नोट वी कैन ओनली फाइंड और वी कैन से इट वी कैन फाइंड ओनली we can find the inverse of one to one function only। यानी इसका ये मतलब है कि हम, यानी ये लेट्स से एग्जाम्पल्स के तौर पे y is equal to 2x, y is equal to 2x plus 5, y is equal to x square, या y is equal to एक्स क्यू प्लस वन, ये जो फंक्शंस है हमारे पास, तो इनका हम, ये है मेरे पास वो फंक्शंस जिसमें एक्स को हम, एक ही एक्स है मेरे पास और मैं एक्स को एक ही वैल्यू दे सकता हूं, तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे ऑड पावर के जो फंक्शन होंगे, टू पावर एक्स वन, टू एक्स क्यू ऑड पावर के जो होंगे, और जिसमें आपको एक एक्स नजर आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन। हमने इसको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और हम ये भी इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ मेनी टू वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी फॉर एग्जांपल मेनी टू वन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, लेट्स से कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारा y इक्वल है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2a से प्लस एक्स, तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो इसमें आपको एक्स की हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन, तो इस फंक्शन का हम क्या फाइंड नहीं कर सकते, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होगा इसमें आप देख सकते हैं इससे मैं x भी फाइंड आउट नहीं कर सकता थ्रू स्टेप्स, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो, अगर मैं पुट करूं तो फिर मैं स्टेप नंबर 2 में इससे x फाइंड आउट करूंगा, तो मैं इससे x को सेपरेट नहीं कर सकता, x क्यूब है, तो अगर मैं इससे x कॉमन भी कर लूं तब भी हमारे पास यहाँ x स्क्वायर x और 1 रह जाएगा, तो हम इससे x सेपरेट नहीं कर सकते। एंड अदर थिंग इज ये मेनी टू वन फंक्शन है, मेनी टू वन। सिमिलरली ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास वन टू वन फंक्शन नहीं है, मेनी टू वन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं ये मेनी टू वन फंक्शन वो होता है जब डोमेन दो वैल्यूज ले रहा हो और इनपुट एक मिल रहा हो, या दो से ज्यादा वैल्यूज ले रहा हो और इनपुट हमें एक मिल रहा हो, और उसको हम कहते हैं मेनी टू वन फंक्शन। ये मेनी टू वन फंक्शन है, दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक्स इज इक्वल टू वन, तो y होगा मेरे पास 1 के इक्वल। लेकिन अगर मैं इसी तरह भी कहूं, मैं इस तरह भी कह सकता हूं, अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 तब भी y मेरे पास 1 के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि x, इसका मतलब ये है हमारे पास x और y है मेरे पास, जब x की वैल्यू 1 है तब भी y मेरे पास 1 है, और जब x की वैल्यू माइनस 1 है तब भी y की वैल्यू 1 है। यानी दो इनपुट्स पे एक इनपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, दिस इज मेनी टू वन फंक्शन। यानी दो इनपुट्स ले रहा है और एक ही इनपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। आप बहुत से एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, तो ये मेरे पास वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।